सर 2020 में जा रहे थे जॉब पे, 2020 में 20 तारीख को 11वां महीना में सर जा रहे थे जॉब पे, अपना बाईपास हाईवे पे, थाना हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ सर उनका, ट्रक के नीचे आ गए थे तो सर उनका जगह पे ही डेथ हो गया। फिर हमने शाम को 7 बजे उनको कॉल लगाया खाना बनाने के लिए, हम क्या बनाएं, तो सर फिर पुलिस वाले ने फ़ोन उठाया कि यहाँ पे आ जाइए आप माझीवाड़ा पुलिस चौकी में, आपके आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। सर हम वहाँ गए तो फिर हमें पता चला कि वो कलवा में एडमिट है। कलवा में गए तो सर हमें पता चला कि उनका डेथ हो गया। जब डेथ हो गया तो जब तक पेंशन नहीं मिली तब तक हम कुछ भी ऐसे एकदम पागलों जैसे रहते थे। पेंशन आया पैसा तो वही पैसा निकाल के फिर हमने बच्चों को फीस भरा, फिर हमारे बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। बड़ी वाली मेरी लड़की अभी 9th में है, सेकेंड वाली अभी 7 में है, थर्ड वाली अभी 5 में है। SIS से हमको और हमारे तीनों बेटियों को और हमारी सास को, हम चारों पांचों जन को मिला के, पांचों जन का पेंशन मिलता है सर, सबको मिला के 18 हज़ार आता है। और उससे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारी सास भी, उनके पैसे से उनका भी खर्चा चल रहा है। ESI का सहारा मिला जो कि हमारे बच्चे आज पढ़ रहे हैं सर, खा रहे हैं, पहन रहे हैं सर। जब जब गया रिक्वेस्ट किया हमारी बातों को उन्होंने सुना है, आज हमारे बच्चे वहाँ से उनके ही जरिए पढ़ रहे हैं और हम एक निवाला वहाँ के जरिए खा रहे हैं। हमारे डैडी ऑफ हो गए थे और हम लोग का फीस नहीं भर पा रहा था। ESI की तरफ से हम सबको पेंशन मिलता है, उसकी वजह से हम लोग टाइम टू टाइम फीस भर पाते हैं। हम लोग खूब मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं। मैं भी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं पढ़ लिख कर CID ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैं बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। Joining ESI scheme just got more rewarding.